हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कैमरे की बात करना जा रहा हूँ। ये कैमरा आप फ्लिपकार्ट से कभी मत लेना, आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं। आपको मैं प्राइस उठा के दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, 1143 रुपये इसका प्राइस है, और आपको मैं अपना अनबॉक्सिंग करके भी दिखा रहा हूँ। देखने में कैमरा काफ़ी अच्छा है, लुक भी अच्छा है। अब इसको मैं आपको ऑन करके बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, स्पोर्ट कैमरा लाइव GoPro की तरह ऑन हो रहा है। ये देखो, इसकी बैटरी क्वालिटी एकदम बकवास है। मैं आपको इसकी बैटरी भी निकाल के दिखाता हूँ। क्योंकि इस कैमरे को मैं नहीं चाहता हूँ जैसे मैं अपना टाइम खराब कर, वैसे आप भी करें। केस से निकलने के बाद में कुछ कैमरा इस टाइप का दिखता है। वॉल्यूम माइनस प्लस, स्पीकर, आगे मोड, पावर ऑन बटन, पीछे क्लिक बटन, वीडियो क्लिकर बटन, इधर ही चार्जिंग पोर्ट और यू मेमोरी कार्ड का इंस्टॉल कर लिए है। अब मैं आपको इसकी बैटरी निकाल के दिखाता हूँ कि बैटरी की क्वालिटी कैसी है। MAH की बैटरी है, 3.3 वेट है बैटरी का। वार्निंग भी लिखी रखी है इसमें, बट बैटरी क्वालिटी बहुत बकवास है। ऐसा लग रहा है कि पेपर की बैटरी है। आप देख रहे हैं, ये दब भी रही है। ये देखिए, ये साइड में दबने का जैसा सैंपल हो रहा है। ये देखो, बैटरी की क्वालिटी बहुत बेकार है, और मुश्किल में 1 से 2 मिनट भी नहीं रोक रही है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको ये कैमरा नहीं लेना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर हैं, वो बताते हैं 500 रुपये में। ये 500 का नहीं, कम, ये आपको 1099 रुपये का पड़ता है। डिलीवरी लग के 1043 रुपये का पड़ जाता है। एक इस टाइप के केस में आता है, केस वाटर प्रूफ है, जैसे GoPro का केस होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही केस है ये भी। ये देखिए, आपको इसको नहीं लेना चाहिए। और डिस्प्ले भी, ये टच डिस्प्ले भी नहीं है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बेल आइकन बजा दबा देना, क्योंकि ये मैंने अपने बाइकर, मेरा चैनल बाइक के ऊपर है, मैंने ब्लॉगिंग के लिए लिया था, मगर ये ब्लॉगिंग के लिए कैमरा एकदम बेकार है। आप भी मत लेना, ये गलत फहमी में मत लेना आप भी।